धनपुरी गांव में बहुत पुरानी एक चुड़ैल रहती थी, जिसके बड़े बड़े पैर और पंजे थे। चुड़ैल जहाँ जहाँ पंजे रखती है, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता था। धनपुरी में चुड़ैल का इतना खौफ था कि लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। सौरभ अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और उसका बेड हिलने लगता है। अरे 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 अरे, ये क्या, भूकंप आ रहा है क्या? सौरभ बाहर जाकर देखता है। उसकी नजर एक चुड़ैल पर पड़ती है जिसके पैर बहुत लंबे होते हैं। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाता, वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। सौरभ ये देख बहुत घबरा जाता है और डर जाता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी चुड़ैल, ये तो लगता है पैरों की धमक से ही मुझे मार देगी। तभी चुड़ैल की नजर सौरभ पर पड़ती है और वो उसकी खिड़की से अपना हाथ अंदर ले जाकर सौरभ को पकड़ लेती है। सौरभ चिल्लाता रहता है, कैसे जाने दूं, तूने तो मुझे देख लिया है, अब तू सबको बता देगा कि रात को मैं ही आती हूँ, तो मैं कैसे छोड़ दूं? सौरभ डरते हुए कहता है, नहीं बताऊंगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पक्का, तो मुझे जाने दो। सौरभ के इतना कहते ही लंबे पैरों वाली चुड़ैल उसे जमीन पर छोड़ देती है और उसे भागने को कहती है। चल भाग, जितना दूर भाग लेगा तेरी मौत उतनी लेट होगी, भाग भाग भाग। सौरभ भागने लगता है। चुड़ैल अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाती है और सौरभ उसके पैर तले दब जाता है और जमीन में धस कर मर जाता है। चुड़ैल बहुत तेज हंसती है और चली जाती है। अगले दिन जब सौरभ की माँ उसको जगाने आती है, तो वहाँ सौरभ को ना पाकर वो घबरा जाती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। तभी उसके घर एक आदमी आता है। अरे सौरभ की माँ, सुनती हो, जल्दी नीचे आओ, तुम्हारा बेटा वहाँ मरा पड़ा है, जल्दी आओ। सौरभ की माँ भागते हुए नीचे आती है और जाकर देखती है कि उसका बेटा जमीन में गड़ा है और मर गया। सौरभ की माँ बहुत रोती है। सभी गाँव वाले बड़े बड़े गड्ढों को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि किसी के इतने बड़े पैर कैसे हो सकते हैं। शायद कोई बड़ा राक्षस आया था, उसी ने सौरभ को मारा है। अरे भैया, पता है सौरभ को एक चुड़ैल ने मार दिया है, बेचारी उसकी माँ बहुत रोई बहुत रोई। चुड़ैल हमारे गांव में? कब? रात को तो मैं भी आया था, मुझे तो कोई नहीं दिखी थी। हाँ भैया, बहुत खतरनाक है, हम तो जा रहे हैं, आप भी समय से घर चले जाओ। राज को उसकी बातें फालतू लगती हैं और वो धीरे धीरे घर जाने लगता है। राज बहुत थक गया था और कोई गाड़ी देख रहा था। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, बहुत थक गए हो, सहारा चाहिए क्या? हाँ क्यों नहीं, आपकी इतनी प्यारी आवाज है, सहारा तो बहुत ही प्यार भरा होगा। राज पीछे मुड़कर देखता है, उसे लंबे पैरों वाली चुड़ैल दिखती है। राज चिल्लाने लगता है और भागने लगता है। भागो भागो भागो, कितना भागोगे, मैं एक पैर लाऊंगी और तुम जमीन में गड़ जाओगे। बचाओ बचाओ, लंबे पैर वाली चुड़ैल से मुझे बचाओ। राज भागते भागते अपने गांव की ओर जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज से सारे गांव वाले बाहर आने लगते हैं। राज को चिल्लाते हुए देख गांव वाले उससे पूछते हैं, का हुआ राज, तुम चिल्ला काहे रहे हो, हैं? जैसे कोनो भूत देख लिया हो, ऐसा है क्या? अरे भैया, भूत ही समझो, इतनी लंबी चुड़ैल जैसे मानो आसमान छू रही हो, इतने लंबे लंबे पैर, जान बचानी है तो भागो। गांव वाले डर जाते हैं और हाथों में मशाल ले लेते हैं। लंबे पैर वाली चुड़ैल राज के पीछे पीछे गांव में भी आ जाती है। गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपने पैर पटकती है, सब तरफ आंधी आने लगती है। बताओ राज, तुम इनसे मदद मांगने आए और ये तो खुद ही भाग रहे हैं, ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे? राज को याद आता है कि उसके गुरुजी ने उसे एक मंत्र दिया था चुड़ैल से बचने के लिए। राज उस मंत्र को पढ़ने लगता है। मंत्र चुड़ैल के कानों में तेज तेज बड़े बड़े अक्षर की तरह जाते हैं। चुड़ैल बेहोश होने लगती है। गांव वाले अपने अपने घर में घुस जाते हैं। सुबह होते ही सब अपने अपने काम पर जाते हैं। इधर सौरभ की माँ एक बुढ़िया माई के पास जाती है। बोलो बेटी, क्या हुआ है, कोई संकट आया है क्या? हाँ माई, मेरे बेटे को एक चुड़ैल ने मार दिया, उसी के बारे में आपसे पूछने आई हूँ, मेरी मदद कीजिए, नहीं तो वो सबको मार देगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल और कब?
कैसे तेरे बेटे को मारा, मुझे बता। सौरभ की माँ उसे सारी बातें बताती है कि वो एक लंबे पैर की चुड़ैल है। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती ही नहीं उस चुड़ैल के बारे में। सौरभ की माँ निराश होकर लौट आती है। आधी रात को लंबे पैर वाली चुड़ैल गाना गुनगुनाते हुए गांव में घुस जाती है, पर इस बार कुछ गांव के आदमी उस चुड़ैल को मारने के लिए घर से लाठी लेकर आते हैं और उसके पैरों पर वार करते हैं। तभी एक डंडा उसके घुटने के नीचे आ लगता है और वो लड़खड़ाने लगती है। गांव वाले समझ जाते हैं कि इसकी कमजोरी कोई मंत्र नहीं बल्कि ये इसके लंबे पैर हैं जिन पे मारने से ये चल नहीं पाएगी। चुड़ैल वहां से भागने लगती है। उसके भागने से पूरा गांव हिलने लगता है जैसे बहुत तेज भूकंप आया हो। अगली रात फिर लंबे पैर वाली चुड़ैल आती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कहां हो, सारे आओ, मुझे भूख लगी है, तुम्हें खाकर ही मेरी भूख मिटेगी, आओ सारे आओ। घर से कोई बाहर नहीं निकलता, सब अपने घर में डरे बैठे होते हैं। अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो मैं तुम सबकी गाय और बकरी खा जाऊंगी। बाहर आओ। चुड़ैल देखती है कोई बाहर नहीं आ रहा होता। गांव के लोग ये सब देखते ही बाहर आ जाते हैं। अपने पालतू जानवरों को मरता देख गांव वाले बाहर आने लगते हैं। तभी वहां बुढ़िया माई आ जाती है। सब लोग बुढ़िया माई के पीछे भागते हैं और चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ माई, बचाओ हमें चुड़ैल से। आप तो इतनी पुरानी हैं और सब जानती हैं, आप हमारी मदद करो ना, इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा। वो ऐसे नहीं जाएगी जब तक मैं ना कहूँ। आप ना कहो मतलब क्या है आपका। सब गांव वाले सोचने लगते हैं कि बुढ़िया माई इसके बारे में जानती है क्या। बता बूढ़ी माई, क्या तूने सच में हमारे गांव में इस चुड़ैल को भेजा है। बुढ़िया माई चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है और टेढ़ी भयानक हंसी हंसती है। बता वरना हम तुझे यहीं मार देंगे, बता बता क्या तूने ही। हाँ मैंने ही इसको यहाँ भेजा है तुम सबको परेशान करने के लिए, ताकि तुम्हारा गांव बर्बाद हो जाए और मैं उस पर राज करूँ। राज करूँ का क्या मतलब है। बहुत सालों पहले जो पुराना मुखिया था गांव का, उसने मुझे काला जादू और टोटका करते पकड़ लिया था और मुझे गांव से बेगाना कर दिया था। तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हारे गांव को बर्बाद कर दूंगी। इस चुड़ैल को मैंने ही बनाया है और ये मेरे इशारे पर ही सारे काम करेगी और तुम लोग बस देखते ही रहोगे। क्या तुम्हें अपनी गलती नहीं याद क्या जो तुमने किया था हमारे साथ है? हमने तो तुम्हें सिर्फ इस गांव से निकालने की गुहार की थी, लेकिन तुमने तो कितने लोगों को मरवा दिया था भूतों से। शुक्र था मुखिया का जिन्होंने सिर्फ तुम्हें हमारे गांव में एकांत किया, सिर्फ समझी। जो भी है अब चुड़ैल से बचो तब बकवास करना। सौरभ की माँ वहाँ आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे देख सब गाँव वाले उदास हो जाते हैं, कितनी बेरहमी से चुड़ैल ने सौरभ को मारा था। बता जल्दी बूढ़ी माई, ये कैसे मरेगी, वरना इस बार हम तुझे गांव से बाहर नहीं जान से मार देंगे। अपनी भलाई चाहती है तो बता दे। ये चुड़ैल तभी मरेगी जब इसके पैर कमजोर हो जाएंगे, अब तुम लोग देख लो कैसे कमजोर करना है। बूढ़ी माई इतना बोलकर शान से अब वहां से खिसकने लगती है। तभी राज उसे पकड़ लेता है और एक पेड़ से बांध देता है। अब जब तक ये चुड़ैल नहीं मरेगी तब तक तू ऐसी ही बंदी रहेगी। गांव वाले सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करे जिससे वो चुड़ैल अपने लंबे पैरों से किसी का नुकसान न कर पाए। जिन लोगों ने चुड़ैल के घुटनों पर वार किया था उन्हें चुड़ैल की कमजोरी याद आती है। वो बाकी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। सुनो सारे, इस चुड़ैल की ताकत उसके लंबे पैर है, पर उसकी कमजोरी भी उसके पैरों में ही है। अगर हम उसके घुटनों पर मारते हैं तो वो कमजोर होती है और खड़ी नहीं हो पाती है। अगर वो खड़ी नहीं हो पाएगी तो हमें परेशान नहीं कर पाएगी, जिससे हम उस पर काबू पा सकेंगे, समझे। तुम सही कह रहे हो। फिर राज और मुखिया प्लान बनाते हैं कि चुड़ैल के घुटने के नीचे मारने से जैसे ही वो कमजोर होगी वैसे उसे नीचे गिरा देंगे और फिर उसे बांधकर आग लगा देंगे। फिर वो सारे मिलकर वैसा ही करते हैं। चुड़ैल जलकर मर जाती है। चुड़ैल को मरता देख बूढ़ी माई भी डरने लगती है और माफी मांगने लगती है।
पर सौरभ की माँ अपने बेटे के बदले उसे भी चुड़ैल के साथ ही जला देती है और इस तरह गांव लंबे पैर वाली चुड़ैल से मुक्त हो जाता है।